Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. चेंबूर घाटला वार्ड 153 के शिवसेना शाखा प्रमुख उमेश करकेरा की ओर से रथ सप्तमी के अवसर पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 8000 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान डांस स्पर्धा का भी आयोजन किया गया। यहां पहुंचे मेहमानों ने इस आयोजन की तारीफ की। महिलाओं का बहुत बड़ा एक परंपरा है, बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मान रहता है। 14 तारीख मकर संक्रांत होने के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आज रथ सप्तमी है और हमारे घाटला वार्ड की परंपरा है कि यहाँ हल्दी कुमकुम बड़े पैमाने से होता है। 4 साल से हमारा संगठन का हल्दी कुमकुम नहीं होता था। हमारे शाखा प्रमुख और हमारी महिला शाखा संगठित अनिता दे माणिक, उनके संयोग से, इनके माध्यम से तमाम शिवसेना के हमारे सारे उप शाखा प्रमुख महिला शिवसैनिक गट प्रमुख, आपने देखा कि बड़े पैमाने से कम से करीब 7-8 हज़ार का की ताकत में संख्या में महिलाएं यहाँ उपस्थित थी। उससे आपको जानकारी हुई रहेगी कि हल्दी को हुए कितना दम होता है और वो घाटले में बहुत बड़े पैमाने से मनाते हैं। शिवसेना का गढ़ होने के नाते यहाँ की महिलाएं जोर शोर में, और आज का आखिरी दिन जो आपने यहाँ देखा कि हमारा शाखा प्रमुख के माध्यम से कितने बड़े जोर शोर से मनाया गया। मैं आज के दिन में आपके माध्यम से रथ सप्तमी के आज के दिन के अवसर पर बात के नागरिकों को आज के रथ सप्तमी के दिन की शुभकामनाएं। जवळजवळ वेळ संपत आलेली आहे, पुढचा डान्स आविष्कार आपण सादर करायचा आहे लवकर या पुढे। डान्स करत असताना गाण्याचं अचानक अर्थ बंद केलं तर कोणी रागावू नका, कारण हा कार्यक्रमाला वेळ भरपूर झाल्या कारणानं आपण थोडा थोडा आविष्कार सादर करतोय एक एक अंतरे। ओके, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे रथसप्तमीचं महत्त्व असं आहे की हळदी कुंकू सुरुवात होते ही 14-15 जानेवारीला, आणि त्यानंतर मकर संक्रांत नंतर आजचा जो दिवस आहे रथसप्तमीचा, या दिवशी आपल्या पारंपरिक संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खेड्यांमध्ये साजरा होणारा हा हळदी कुंकू आहे, याचा सांगता समारोह असतो। रथसप्तमीचे उपवास यावेळेला महिलांचे संपलेले असतात आणि म्हणून आजच्या दिवसाला फार महत्त्व असतं, आणि ती परंपरा आमच्या शाखा प्रमुख आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राखली, त्याबद्दल धन्यवाद। महिलांचा हळदी कुंकू म्हणजे त्यांचा जो आनंद आहे हा ओसंडून वाहत असतो, आणि आज आपण या ठिकाणी पाहिलं 8000 जास्त महिला या संपूर्ण घाटला काढण्याच्या परिसरातल्या या ठिकाणी उपस्थित राहिल्या। मी आपल्या वतीने शाखेचेच आभार मानतो तर मानतोच, परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित राहिलेल्या सर्व आमच्या माता भगिनींची या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो। शाखेच्या वतीने आज इथे उमेश करकेरा शाखा प्रमुख आहे, महिला संघटित माडे यांनी आज हा आदरणीयचा कार्यक्रम घेतला। खूप छान कार्यक्रम होता, महिलांचा उत्साह तर खूप आज बरं वाटलं कारण आज महिला सगळ्या कार्यक्रमाला हजर होतो। आज रथसप्तमी शेवटचा दिवस असतो आज, आणि आज सगळ्यांनी आदरणीय घेतला। कातीसाहेब होते अनुष्ठाचे नगर आमदार, यांनी हा कार्यक्रम सुरू केला होता पहिल्यापासून, आणि 2-3 वर्ष आता म्हणजे ते आता तरी जेवण थोडं कमी होतं, पण त्याच्यामध्ये जेवण पण ते करायचे सगळ्या महिलांना, तसं फक्त मला उपवास सोडायला बोलवायचे, पण 2-3 वर्ष गॅप होता। आता आमच्या उमेश आहेत, भाई आहेत, आम्ही अविनाश राणेसाहेब आहेत, आम्ही सगळ्यांनी म्हणून तो कार्यक्रम चालू करायचं ठरवलं, कारण महिलांची खूप मागणी होती की तुम्ही कार्यक्रम घ्या म्हणून। हळदी कोणी शिवसेनेचं हळदी कुंकू कुठे गेलं? एक दिवस उमेश साहेबाच्या मध्ये बसला होता, मी त्याला उमेश बघ काय हळदी कुंकूचं लोक सगळे विचार म्हणजे पक्षाचेच नाही की बाकीचे पण लोक, हा मोठा स्पॉट होता। हे तो दस दिन से काम कर रहे थे, उसमें ही अविनाश जी राणे हमारे स्थानिक नगर से जी पाठक उनका खूब सहयोग मिला, और कदम साहब हमारे जी सर्जी कदम है, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से कार्यक्रम का मदद करने का आयोजन उन्होंने किया था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि
हाँ, ये शिवसेना का वाली किला है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी गर्दी, 8 से 10 हज़ार महिलाओं की उपस्थिति है। इसमें हम लोग ने डांस कॉम्पिटिशन रखा लकी ड्रॉ, और ये शिवसेना का बाल किला रहते हुए इतनी जो गर्दी थी कि हम लोग भी थोड़े से हड़बड़ा गए कि अभी कैसा किया। इसीलिए ये कार्यक्रम में हमने फुल सेफ कार्यक्रम रखा था। यहाँ पे आप देखोगे तो CCTV अरेंज हमने किया था, पुलिस सिक्योरिटी, हमारे खुद के 300 वॉलेंटियर महिला और पुरुष, मैं सभी शिवसैनिकों का, महिला हमारे उपशाखा प्रमुख है, घटक प्रमुख है, महिला पुरुष, उनका अच्छे दिन से आभार मानता हूँ। और शिवसेना आगे ऐसे ही बढ़ना चाहिए। सबसे विनंती करूँगा कि सब जन हमारे साथ में ऐसे खंबीर रहते हुए हमको सपोर्ट करें। और मैं सहे दिन से नगर सेवक गांधी जी पाटनकर साहब, हमारे विधानसभा संगठक अरुण जी राणे, इनका बहुत योगदान मुझे ये कार्यक्रम में मिला, तो मैं उनका मन से दिल से स्वागत करता हूँ। कैमरा मैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you